मामा इमरान और देयर सिलचर थम्पर फ्रॉम सिलचर दिस जिप्सी इज प्रोवाइडेड बाय जुमा खान एग्जैक्टली हेल्प द हेल्प खालसा टू गेट द व्हीकल ऑन द बोर्ड कल से तुम्हारे को हम दो दिन देंगे दो दिन में ये जितने भी बॉर्डर लाइन के अफेक्टेड एरिया है वहाँ के तुम्हें असेसमेंट करके ये स्टडी करके रखनी है तुम्हें वेलकम अभी हम लोग आए हमारे कैल फाउंडेशन और खालसा एड के साथ हम मिलकर जो जलालपुर इंडो बंगला बॉर्डर पे जो गरीब लोग है जो फ्लड अफेक्टेड लोग है उनको हेल्प करने के लिए आए इस तरफ देखो अब गाड़ी पे बीएसएफ के जो गाड़ी है उसमें सामान रखा हुआ पहले हम 80 लोगों को दे चुके हैं और 120 है ठीक है वो आज सभी आज डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहाँ पे हमारे बीएसएफ के जवान है बीएसएफ के जवान खालसा एड और कैल फाउंडेशन मिलके जो आज का जो काम है वो समाप्त किया जा रहा है और आप आगे आओगे तो लोग देखोगे ठीक है तो जितने भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो आप सबको गुजारिश है कि वीडियो को आप शेयर करें लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से लोगों तक पहुंचाएं कि हमारे आसाम में हमारे खसार में बराकबेली में इंदू बंगला बॉर्डर में लोगों की क्या सिचुएशन है ठीक है तो हमारे आसाम में ज्यादातर लोग जानते ही है कि फ्लड होती है ब्रह्मपुत्र बराकबेली ठीक है तो हम दुआ करते हम हाथ जोड़ के ये कहना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डोनेशन करें हमारे सीएम के जो फंड है तो सीएम के फंड पे आप डोनेट करोगे तो गरीब लोगों तक आके पहुंचेगा ठीक है धन्यवाद बंगाल से बोलना कोशिश करें हमरा पंजाब तक की आईसी हमरा पंजाब तक की आईसी सुमात्र के कुराल जोनो अभी इस गाड़ी पे जो सामान रखा हुआ है और दूसरे और एक गाड़ी पे सामान है वो लेके अभी हम जा रहे हैं मुसीघाट कैंप पे ठीक है उस साइड पे बॉर्डर के जो लोग हैं सभी रोड पे आ चुके हैं तो उस साइड बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं हम खालसा एड की वॉलंटियर बेस्ट लगा रहे अब्दुल मोमिन माफ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने लो रहने लो बहुत बुरे लग रहे हो तो ये बंदा वीडियो के नाम पे बहुत सारा वाट लोग ले रहा है अपने कंधे पे सबके लिए कुछ आया है अभी हम लोग बैठे हुए हैं बीएसएफ की कैंप पे और अभी मैं बीएसएफ की ट्रक पे बैठा हुआ हूँ यहाँ पे सामान रखा हुआ है खालसा एड का हम लोग नतानपुर बीएसएफ कैंप से जा रहे हैं अभी मुसीघाट बीएसएफ कैंप पे ठीक है बीएसएफ के जवान और खालसा एड के मेंबर अब हम आए दूसरी बीएसएफ और एक कैंप पे आए मुसीघाट कैंप यहाँ पे लिस्ट किया जा रहा है और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं हमने गाड़ी पे रखा हुआ है सामान कैल फाउंडेशन के सीनियर मेंबर शाहीन अभी अभी पहुंचे बिरयानी खा के घर से यहाँ पे हमारे कैल फाउंडेशन के और मेंबर आके जुड़े हुए यहाँ से शुरू हो गया जो फ्लड अफेक्टेड जो लोग हैं इसी जगह पे रहते कैल फाउंडेशन के मेंबर आके देखे थे इस जगह पे क्या कंडीशन है और अपडेट दिए थे खालसा एड को तो आज हम आए खालसा एड के जो भी सामान दिख रहे आप इसी गाड़ी पे इस ब्लॉक पे इन सब पहले लिस्टेड है लोगों की हालत देखो यहाँ से लाइन शुरू है जमा हुए है एक जगह पे खालसा एड के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे देखे खालसा एड का जो वॉलंटियर वेस्ट है वो हमने लगाया है बीएसएफ के कमांडेंट और खालसा एड और कैल फाउंडेशन के मेंबर मिलके यहाँ पे दूसरे और एक फाउंडेशन अपने जो सामान है वो लेके सब लोग ऊपर जगह में आके पहुँचते हैं ऐसा लग रहा है यहाँ पे ऑसम टेलीकॉम की बैनर लगा हुआ है और यहाँ पे सारे मेंबर्स है ऑसम टेलीकॉम की हमारे मामा बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं ठीक है आप लोग सपोर्ट ऐसे वीडियो पे बने रहे हमारे मामा इमरान और रहते हैं मुंबई पे वो अपना उधर बिजनेस है तो वो आए बॉर्डर रोड की जो फ्लड की जो अफेक्टेड एरिया है वो कवर करने तो मामा कुछ बोलेंगे अभी
एक्चुअली यहाँ पे हम लोग जो बॉर्ड यहाँ पे ही है, तो एक्चुअली मैं मुंबई में बिजनेस आप लोग यहाँ पे देखे कि हम लोग ने काफ़ी सारे लोग इतने फ्लड अफेक्टेड हैं जिनकी कोई नाम नहीं। फिलहाल तो ऐसा इश्यूज है कि घर तो दूर की बात करते, किसी का है ही नहीं खाने के वांदे सबके, एक मतलब एक भी बंदे खाने का कुछ भी है ही नहीं फिलहाल। तो उस सिचुएशन पे हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत काउंट कर रहे हैं हम लोग सब मिलकर, हमारी जो टीम है पूरी टीम आप देख सकते हो कुछ काउंट कर रहे हैं करीब असम टेलीकॉम मुंबई। तो करीब करीब हम लोग 8 से 9 किलो सामान सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है फिलहाल उनको सप्लाई कर रहे, उसके हिसाब से फिर आगे हम लोग काम कर रहे। और यहाँ पे सामान रखा हुआ है, सामान करीब 7 किलो सामान है, मिल्क डीजल ऑयल पानी और चॉकलेट भी बच्चों के लिए, सामान यहाँ पे राइस है, ऑयल दाल नमक और चाय पत्ता हल्दी और ये ब्रश करने के लिए साबुन मैक्स ऑयल दाल नमक चाय पत्ती मसाले स्टार्ट जी वीडियो बना रहे, और इसके अंदर जो भी ज़रूरत के सामान है सभी ये अभी ब्रश है साबुन है तेल है ना।